हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको गायत्री जयंती की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि गायत्री जयंती की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले स्थान पर रंगोली बनाएं। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है, वरना आप पूजा के स्थान पर एटलीस्ट हल्दी रोली तो ज़रूर से डालें। तो ये देखिए, मैंने गायत्री पदम यानी गायत्री यंत्र की ही रंगोली बनाई है, गायत्री माता के चरण बनाए हैं। तो सबसे पहले हम पूजा स्थान पर पाटा रखेंगे। पाटे पर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। गायत्री माता वेदों की देवी मानी जाती है और इनकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करेंगे और अब गायत्री माता की फ़ोटो की पूजा करना शुरू करेंगे। तो ये गायत्री माता का फ़ोटो है, उनका रूप है। जो गायत्री मंत्र है, जो ज़्यादातर हम सभी को आता है, उन्हीं का एक रूप गायत्री माता है। तो गायत्री माता की फ़ोटो ना हो तो आप उस मंत्र को एक कागज़ पर लिख लें और उन्हीं की पूजा आप कर सकते हैं। दोनों का एक ही महत्व होता है। इसके बाद गणपति जी की पूजा शुरू करेंगे, उन्हें चंदन रोली अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली पहनाएंगे, इत्र लगाएंगे। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएंगे, धूप चढ़ाएंगे और अब गायत्री माता का पूजन शुरू करेंगे। तो गायत्री माता को चंदन लगाएंगे। गायत्री माता वेदों की देवी मानी जाती है, उन्होंने वेदों की रचना करी है। तो इस प्रकार से हम उन्हें चंदन लगा देंगे सबसे पहले उनके पांचों मुखों पर और उनके सारे वेद जो है फोटो में। अगर आपके घर में चारों वेद हैं तो आप उन वेदों की भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक कागज़ पर, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, गायत्री माता का जो मंत्र है वही गायत्री माता का रूप है, वही साक्षात गायत्री माता है, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, गायत्री माता को चंदन रोली अर्पित करने के बाद हम उन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अगर आपकी मूर्ति हो तो आप वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें हम इत्र लगाएंगे। इत्र चढ़ाने के बाद उन्हें फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल मिल रहे हो तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं, वरना जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो वो फूल आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, गायत्री माता को हम फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम उन्हें जल चढ़ाएंगे। कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन एकादशी भी होती है, निर्जला एकादशी होती है, तो अगर आपका व्रत हो तो फिर आप कुछ व्रत का ही सामान चढ़ाएं, जैसे सिर्फ फल चढ़ा दें और जल चढ़ा दें। अगर आपने निर्जला व्रत भी रखा है तो भी गायत्री माता को तो आप प्रसाद चढ़ाएं ही। तो ये देखिए, जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहें वो प्रसाद आप चढ़ाएं, व्रत रखा हो तो फलहार ही चढ़ाएं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी या तेल किसी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर सबसे पहले गणपति जी को धूप दिखाएंगे, माता गायत्री को धूप दिखाएंगे और इसके बाद हम माता गायत्री को दीप दिखाएंगे, गणपति जी को दीप दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो आपकी पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के दिन गायत्री हवन करने का भी विशेष महत्व होता है, वो कैसे करना है उसका वीडियो भी आपको अलग से मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो गायत्री हवन भी ज़रूर से करें, उसकी बहुत सरल विधि होती है। इसके बाद सामने आपको गायत्री चालीसा भी दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो गायत्री माता की चालीसा पढ़ें, उनकी आरती करें और इस प्रकार से गायत्री जयंती की जो पूजा है वो आप कंप्लीट करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।